हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो उनकी पोइम लिखी हुई है डैफोडिल्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। डैफोडिल्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। अगर आपका टाइटल दिया हो आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड या टाइटल दिया हो डैफोडिल्स, तो इस पोइम को हम दोनों टाइटल से जानते हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई पोएम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस तरीके से लिटरेचर से रिलेटेड नोट्स आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं अपने चैनल पर। तो अगर आप लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न इन। वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 में। When did he die? उनकी डेथ कब हुई थी? 1850 में। Next, Wordsworth belongs to which period? Wordsworth किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? Wordsworth romantic period से बिलोंग करते हैं और romantic period के मेजर पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड या फिर इसे डेफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं, इस आ ये किस तरीके की पोइम है? ये एक लिरिक पोइम है। नेक्स्ट, द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय, ये जो पोएम है ये किस चीज से इंस्पायर हुई है? एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802 इन विच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। 15 अप्रैल 1802 को वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी जब जा रहे थे तो उस समय दोनों केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स हैं वो उन्हें दिखाई देते हैं और बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई एंड नहीं है। जो डैफोडिल्स की लाइन है, जो चेन बनी हुई है, जो बेल्ट है उसकी, उसका कोई एंड नहीं है। इतनी दूर तक वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स फैले हुए हैं और उससे वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और तब वो इस पोएम को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, पोएम कब पब्लिश हुई थी? 1807 में इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स। 1817 में पब्लिश हुई थी पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। रिवाइज्ड वर्जन वॉज पब्लिश्ड इन 1815 और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है वो 1815 में पब्लिश हुआ था। रिवाइज्ड वर्जन में वर्ड्सवर्थ ने कुछ वर्ड्स चेंज किए हैं इसमें पोएम में। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितने स्टेंजाज हैं? इसमें 4 स्टेंजाज हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा, और ईच स्टेंजा में कितनी लाइन्स हैं? इसमें 6 लाइन्स हैं, 6 लाइन का एक स्टेंजा है। नेक्स्ट है, विच फ्लावर्स डज द स्पीकर अक्रॉस इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में स्पीकर किन फ्लावर्स से किन फ्लावर्स को देखता है, कौन से फ्लावर्स उसे दिखाई देते हैं? वो है डेफोडिल्स। नेक्स्ट डे, व्हाट एक्शन डज द स्पीकर डिस्क्राइब द फ्लावर्स परफॉर्मिंग, स्पीकर फ्लावर्स की किस एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि जो फ्लावर्स हैं वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? तो वो डांसिंग कर रहे हैं या फ्लटरिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो फ्लावर्स हैं वो ब्रीज हवा की वजह से जो हिल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे, What type of rhyme scheme does Wordsworth use in each stanza? Each stanza में Wordsworth ने जो rhyme scheme use की है वो है A B C C. Next है, the clause I wander lonely as a cloud is an example of, ये जो clause है ये किसका example है? इसमें जो figure of speech है वो simile use हुई है क्योंकि यहाँ पर comparison किया गया है। आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि आई जो है स्पीकर है उसने अपने आप को कंपेयर किया है किससे? क्लाउड से, और यहाँ कंपेरिजन वाला वर्ड एज यूज हुआ है इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हो गई सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स, पोएट डैफोडिल्स को कब देखता है? व्हेन ही वॉज वॉकिंग विद हिज सिस्टर डोरोथी अराउंड ग्लेनकोइन बे, जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ जाता है और कहाँ पर है वो है ग्लेनकोइन बे के पास अल्स वाटर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑन 15 अप्रैल 1802। नेक्स्ट है, टू व्हाट नेचुरल इमेज डज द स्पीकर कंपेयर द फ्लावर्स इन द सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा में स्पीकर फ्लावर्स को किससे कंपेयर करता है? तो वो कंपेयर करता है स्टार्स से।
जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से फ्लावर्स का जो बेड एक तरीके से बिछा हुआ है और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि आसमान में सितारे चमकते हैं, जैसे आसमान में सितारे फैले होते हैं, उनका कोई एंड नहीं है। वो उसी तरीके से जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स हैं वो भी ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो स्टार्स हों, तो उन्हें स्टार्स की तरह स्टार्स से कंपेयर किया है डेफोडिल्स को। नेक्स्ट है, वेयर डज द पोइट सी द डेफोडिल्स, पोइट्स डेफोडिल्स को कहाँ देखता है, तो अंडर अ ट्री एंड अराउंड द लेक, लेक के आसपास और ट्री के नीचे। नेक्स्ट है, व्हाट अकम्पनीड द डेफोडिल्स व्हाइल दे डांस्ड इन द ब्रीज, जब डेफोडिल्स ब्रीज यानी कि जो हवा चल रही है उस पर जो डांस कर रहे हैं, तो उस डेफोडिल्स के डांस के साथ साथ डेफोडिल्स को कौन अकम्पनी कर रहा है, तो वो है द वेव्स इन द लेक, लेक में जो वेव्स हैं लहरें उठ रही हैं, तो जो हवा की वजह से जो लहरें बन रही हैं लेक में वो अकम्पनी कर रही हैं डेफोडिल्स को, क्योंकि डेफोडिल्स भी हवा की वजह से हिल रहे हैं। नेक्स्ट है, इन द थर्ड स्टेंजा वेल्थ मोस्टली प्रोबेबली रेफर्स टू, थर्ड स्टेंजा में वेल्थ को किससे रेफर किया गया है, वेल्थ का मीन क्या है यहाँ पर, यह है एन अबंडेंस ऑफ जॉयफुल थॉट्स, जॉयफुल थॉट्स की अबंडेंस यानी कि अधिकता। नेक्स्ट, इन द लास्ट स्टेंजा में द इनवर्ड आई मोस्ट प्रोबेबली रेफर्स टू द पार्ट ऑफ अवर माइंड, लास्ट स्टेंजा में इनवर्ड आई जो रेफर करता है वो किसे रेफर करता है, हमारे माइंड के किस पार्ट को रेफर करता है, दैट हेल्प अस रिकॉल थॉट्स एंड मेमोरीज, हमारे माइंड का जो पार्ट होता है जो हमें थॉट्स या मेमोरीज को रिकॉल करवाता है यानी कि हमें याद करने में हमारी हेल्प करता है, हम पुराने विचारों को याद करते हैं या अपनी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करते हैं, तो जो पार्ट होता है हमारे माइंड का उसे रेफर कर रहा है यहाँ पर इनवर्ड आई, जो कि पोइट को रिकॉल करवाता है, उसने पोइट ने जो ये डेफोडिल्स देखे थे और बाद में जब वो अपने घर में अपने काउच पर लेटा हुआ होता है और उस समय वो इन मेमोरीज को याद कर रहा होता है, तो वहां पर ये वर्ड यूज किया गया है इनवर्ड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द जोकंड कंपनी कंसिस्ट ऑफ, जोकंड कंपनी यहाँ पर पोइम में वर्ड यूज किया गया है जोकंड कंपनी, तो इस जोकंड कंपनी में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन कंपनी, इस कंपनी में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं जोकंड में, तो इसमें है डैफोडिल्स, क्लाउड्स, स्टार्स, ब्रीच, वेल्स, वेप्स, हिल्स एंड लेक्स, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, एक जोकंड कंपनी बनाती हैं, जोकंड यानी कि चीयरफुल हैप्पी। नेक्स्ट है, व्हाट चीयर्स द पोइट व्हेन ही इज सैड और वरीड अबाउट समथिंग, जब पोइट किसी भी चीज के बारे में सैड हो या वरीड हो, चिंतित हो या दुखी हो, तब कौन सी चीजें उसे चीयर करती हैं, तो द मेमोरी ऑफ द डांसिंग डेफोडिल्स, तो उसे वो डांसिंग डेफोडिल्स याद आ जाते हैं और वो उसे चीयर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, पोइम का सेंट्रल आइडिया क्या है, द हीलिंग ऑफ द स्पीकर्स एक्सपीरियंस फ्रॉम द लवली साइट, जो स्पीकर के एक्सपीरियंस हैं उनको हील करना, किससे, लवली साइट, जो लवली साइट है कौन सी साइट है, लवली जो डेफोडिल्स की साइट है उस डेफोडिल्स की साइट से, यानी कि जो लवली साइट हमारे जो अच्छी मेमोरीज होती हैं, अगर हम कभी दुखी हों परेशान हों तो हमारी जो भी कभी अच्छी मेमोरीज रही हैं अगर हम उस समय उन्हें याद कर लें तो थोड़ा सा जो हमारा दुख है या हमारी चिंता है वो कम हो जाती है, उनको हील कर कर सकती है हमारी अच्छी मेमोरीज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेफोडिल्स डिड द पोइट सी एट अ ग्लेंस, एक नजर में पोइट कितने डेफोडिल्स देखता है, तो पोइम में दिया हुआ है कि 10,000, 10,000 डेफोडिल्स वो एक नजर में देखता है, लेकिन जो यहाँ पोइम में 10,000 दिया गया है, लाइन दी गई है 10,000, वो पोइट एक बार में देखता है, लेकिन इसको एक हाइपरबोल के तरीके से यूज किया गया है क्योंकि कोई गिनती नहीं है कि वो एक नजर में उसे कितने डेफोडिल्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे डेफोडिल्स हैं वहां पर लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं है कि वो कितने हैं, तो इस तरीके से यहाँ पोइम में 10,000 यूज किया गया जो कि हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हु वांडर्ड लाइक अ लोनली क्लाउड एंड वेयर, लोनली क्लाउड की तरह कौन वांडर कर रहा है और कहाँ वांडर कर रहा है, तो वो है पोइट, द पोइट वांडर्ड ओवर द वैलीज एंड हिल्स। नेक्स्ट, विच लिटररी डिवाइस इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सी लिटररी डिवाइस यूज हुई है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज,
ब्रीज यानी कि हवा, हवा में डांस कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं। तो यहाँ जो डिवाइस यूज हुई है लिटरली वो है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है डेफोडिल्स को। नेक्स्ट है हुम डिड द डेफोडिल्स आउटडू, डेफोडिल्स किसे आउटडू करते हैं, वो वेव्स को आउटडू करते हैं इन द लेक, लेक में जो वेव्स हैं उन्हें आउटडू करते हैं डेफोडिल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर्ड टू हियर, यहाँ पर ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड किसे रेफर किया गया है, द पोइट वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस दैट ही फेल्ट रियली हैप्पी इन द जॉयफुल कंपनी ऑफ द डेफोडिल्स एंड द वेव्स। यहाँ पोइट एक्सप्रेस करता है कि वेव्स की और डेफोडिल्स की जॉयफुल कंपनी में वो बहुत ही रियली हैप्पी फील करता है, उसे बहुत ही हैप्पी फील होता है डेफोडिल्स और वेव्स की कंपनी में, जो कि उसके लिए क्या है, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है। नेक्स्ट व्हाट डज ही मीन बाय द इनवर्ड आई, इनवर्ड आई से पोइट का मतलब क्या है, तो रिफर्स टू द आई ऑफ हिज इमेजिनेशन विच प्रोवाइड हिम द साइट ऑफ द डेफोडिल्स। तो यहाँ पर इनवर्ड आई जो पोइट के लिए यूज हुआ है वो उसकी इमेजिनेशन के लिए यूज हुआ है, जो उसे डेफोडिल्स की साइट को प्रोवाइड कराती है, यानी कि जब भी कभी वो परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो डेफोडिल्स की जो साइट है वो उस मतलब उसकी इमेजिनेशन में आ जाती हैं और उसे हील करती हैं। तो यहाँ इनवर्ड आई इमेजिनेशन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट द टू मूड्स ऑफ द पोइट आर, पोइट के टू मूड्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं, वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हैप्पी मूड व्हेन ही इज फ्री फ्रॉम वरीज, जब वो वरीज से फ्री होता है उस समय उसका मूड हैप्पी होता है। दूसरा उसका पेंसिव मूड है व्हेन ही इज सीरियस एंड थॉटफुल, जब वो सीरियस और थॉटफुल हो जाता है उस समय उसका पेंसिव मूड हो जाता है। तो यहाँ पर पोइट के ये टू मूड्स डिस्क्राइब किए गए हैं पोइम में। नेक्स्ट है व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू, वर्ड्सवर्थ अपने आप को किससे कंपेयर करता है, अ क्लाउड इन द स्काई। नेक्स्ट विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज इन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, 10,000 सो आई एट अ ग्लेंस, एक बार में मैंने 10,000 देखे। तो यहाँ भी हमने आपको बताया था कि एक बार में उसने कितने देखे कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसने कहा कि 10,000 देखे, तो एक हाइपरबोल के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है एलिटरेशन, एलिटरेशन में जिसमें आपका जो लेटर रिपीट होता है, तो यहाँ पर बी लेटर आपका रिपीट हो रहा है, दो या दो से ज्यादा बार जब लेटर ये रिपीट होते हैं हमारे, तो वहां एलिटरेशन हो जाता है। नेक्स्ट विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, किसके लिए कहा जा रहा है, डेफोडिल्स के लिए कहा जा रहा है, और इस तरीके से उनको पर्सोनिफाई किया गया है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह डांस कर रहे हों। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट व्हाई डज द पोइट कॉल द फ्लावर्स अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, पोइट फ्लावर्स को अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स क्यों कहता है, द डेफोडिल्स आर येलो एंड देयर फोर कंपेरेबल टू गोल्ड इन इट्स कलर, क्योंकि डेफोडिल्स जो है वो येलो कलर के हैं और उन्हें गोल्ड के साथ कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट व्हाई डज द साइट ऑफ डेफोडिल्स कम टू पोइट्स माइंड लेटर इन द पोएम, डेफोडिल्स की जो साइट है वो पोइट के माइंड में क्यों आती है बाद में, यानी कि पोएम में जो बाद में डिस्क्राइब किया गया है, बाद में बताया गया है, उसमें जो डेफोडिल्स की साइट है वो साइट है जो वो उसके बात माइंड में आती है, उसे वो याद करता है, ऐसा क्यों है, द पोइट वॉज सो मच मूव्ड बाई द ब्यूटी ऑफ दोज फ्लावर्स, उन फ्लावर्स की ब्यूटी से पोइट इतना मूव्ड हो गया है दैट दे लेफ्ट एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड, उन्होंने फ्लावर्स ने उसके माइंड पर एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है, बहुत ही एवर लास्टिंग प्रभाव छोड़ा है उसके माइंड पर, जो उसे बार बार याद आते हैं, बार बार वो डेफोडिल्स का जो सीन है उसकी आंखों के सामने आ जाता है। नेक्स्ट व्हेन डिड द डेफोडिल्स फ्लैश अपॉन द पोइट्स इमेजिनेशन, पोइट की इमेजिनेशन में डेफोडिल्स कब फ्लैश होते हैं, कब उसको अपनी इमेजिनेशन में डेफोडिल्स दिखाई देते हैं, व्हेन ही वाज लाइंग ऑन हिज काउच, जब वो अपने काउच पर लेटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम इज रिच इन, ये पोएम रिच है किसमें, इमेजरी में, इमेजरी का यूज इसमें अधिक हुआ है।
नेक्स्ट द पोइट स्टार्ट्स द पोएम विद, पोइट इस पोएम को स्टार्ट करता है द सिमली, सिमली से, एंड कंपेयर हिमसेल्फ विद द क्लाउड वांडरिंग लोनली, और अपने आप को कंपेयर करता है क्लाउड से जो अकेला ही वांडर कर रहा है. नेक्स्ट, विच स्टैंजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम एंड व्हाई, पोएम का कौन सा स्टैंजा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और क्यों है. ये है लास्ट स्टैंजा जो पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, एज इट इज द एसेंस ऑफ द पोएम, क्योंकि ये पूरी पोएम का एसेंस है, पूरी पोएम का जो सार है वो सब किस में है, लास्ट स्टैंजा में है. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट डज वन बिकम व्हेन वन इज इन द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड. पोइट के अकॉर्डिंग जब कोई व्यक्ति सॉलिट्यूड में होता है, अकेला होता है, तब वो कैसा हो जाता है, कैसा बन जाता है, वो कैसा हो जाता है, वो रेट्रोस्पेक्टिव बन जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है. द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ कुड बी द मोस्ट प्रोफाउंड, यानी कि हमारी लाइफ के जो लिटिल मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पल भी जो होते हैं हमारी लाइफ के, वो बहुत ही प्रोफाउंड बन सकते हैं. तो अपनी लाइफ के जो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं उन्हें संभाल के रखिए. जिससे कि क्या होता है, कभी भी हम जब सैड हो, वरी हो, किसी चीज की चिंता हो, तो उन अच्छे पलों को, अपने अच्छे मोमेंट्स को याद कर लीजिए, तो आपकी जो दुख है, आपकी जो परेशानियां हैं, वो कुछ कम हो सकती हैं. तो इस तरीके से यहाँ पर डेफोडिल्स के बारे में क्वेश्चंस लेकर आए हैं, डेफोडिल्स के से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. तो आगे इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, नोट्स आपको मिलते रहेंगे लिटरेचर से रिलेटेड. तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी अपनी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा. थैंक यू.